नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन इंडिया की इस प्रेस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आज के मुख्य समाचार की काम की बड़ी खबरें। बता दें कि सरकार की ओर से देश के सभी नागरिकों के लिए कुछ काम की उपयोगी खबरें निकल कर आ रही है और इसी के साथ में जानेंगे आज का सोने और चांदी का ताजा भाव भी। बता दें कि इस समय में पूरे देश में चीनी महामारी का प्रकोप छाया हुआ है, तो ऐसे में लॉकडाउन को लेकर 21 दिनों का जो मोदी सरकार की ओर से लॉकडाउन किया गया है उसको लेकर भी कुछ बड़ी अपडेट है। तो ऐसे में केंद्र सरकार के सामने ये सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर किस तरह से लॉकडाउन को खोला जाए। हालांकि कई जगह पर सरकार चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन खोलने पर विचार कर रही है, लेकिन जिस तरह से देश में मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, ऐसे में ये सरकार के सामने बहुत ही बड़ी चुनौती बन गई है। चलिए तो इसी को लेकर आज की पहली खबर है, राज्यों की सिफारिश पर लॉकडाउन बढ़ाने की सोच रही है केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, आपको पता ही होगा हमारे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन किया गया है जो कि 14 अप्रैल 2020 को खुलना है, लेकिन आपको बता दें कि सरकार की ओर से इसके ऊपर भी कई तरह के विचार किए जा रहे हैं। समाचार एजेंसी ANI के अनुसार सरकार के सूत्रों ने कहा है कि कई राज्य सरकारें और विशेषज्ञ केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वह लॉकडाउन का और भी विस्तार करे, क्योंकि देश में जिस तरह से मामले सामने आ रहे और ये सरकार के लिए बहुत ही बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। गौरतलब है कि देश के कम से कम 7 राज्यों ने लॉकडाउन की समयावधि को बढ़ाने का समर्थन किया है। केंद्र सरकार से उन्होंने अनुरोध किया है कि लॉकडाउन की अवधि को और भी आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि देश के इन 7 राज्यों के अंदर ही 24 घंटे के अंदर स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1367 नए मामले पाए जा चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भी अपने राज्य में लॉकडाउन की समय अवधि को बढ़ाने का पक्ष रखा है, तो वहीं महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्य भी इसके समर्थन में हैं। और इन राज्यों ने संकेत दिया है कि 14 अप्रैल के बाद भी वे अपने राज्य में प्रतिबंधों को पूरी तरह से नहीं हटाएंगे। और इसके बाद रेलवे की ओर से भी बड़ा बयान आया है, IRCTC ने इन प्राइवेट ट्रेनों की बुकिंग को 30 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया है। जी हां दोस्तों, प्राइवेट ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत करने वाली कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने आगामी 15 अप्रैल से लगाकर 30 अप्रैल तक के बीच की सभी प्राइवेट ट्रेन की बुकिंग को कैंसिल कर दिया है। और इसको लेकर IRCTC के मैनेजिंग डायरेक्टर महेंद्र प्रताप ने बताया कि प्राइवेट ट्रेनों में बुकिंग नहीं बल्कि मैन पावर की दिक्कतें हैं, इसी वजह से प्राइवेट ट्रेनों की बुकिंग को रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में जिन लोगों ने 30 अप्रैल तक की कोई भी बुकिंग करवाई होगी तो उनका रिफंड उन्हें दे दिया जाएगा। अगली खबर है, दिल्ली के छात्रों ने बनाया रोबोट, पीड़ित मरीजों को दे सकता है दवाई और खाना। जी हां दोस्तों, दिल्ली के IIT वर्ल्ड स्कूल पीतमपुरा के छात्रों ने एक रोबोट का आविष्कार किया है जो कि स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। छात्रों द्वारा निर्मित इस प्रोटोटाइप का नाम पृथ्वी रखा गया है। बता दें कि दिल्ली में 50 ऐसे डॉक्टरों के मामले हैं जो कि मरीजों का इलाज करते वक्त इस बीमारी के चपेट में आ गए थे। तो ऐसे में आज की स्थिति में फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले ये डॉक्टर सुरक्षा कर्मी किसी आर्मी के सैनिक से कम नहीं है। हम सभी को इनका बहुत ही सम्मान करना चाहिए, इनकी इज्जत करनी चाहिए। और IIT के छात्रों के द्वारा ये जो रोबोट बनाया गया है ये मरीजों और डॉक्टरों के बीच की एक बहुत ही बड़ी चैन का काम करेगा। बता दें कि ये रोबोट जो है मरीजों को भोजन दे सकता है, मरीजों को दवाई तक दे सकता है। और इस रोबोट की खास बात यह है कि इसको मोबाइल के जरिए भी हैंडल किया जा सकता है। तो इसकी खास बात यह है कि डॉक्टर मरीज को बिना छुए भी उसका इलाज कर पाएंगे और अपनी भी देखभाल रख सकेंगे। चलिए तो अगली खबर है, व्हाट्सएप यूजर के लिए जरूरी खबर है, मैसेज फॉरवर्ड करने से जुड़े नियम हुए सख्त। जी हां दोस्तों, फेसबुक के इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने देश में फैल रही अफवाहों को रोकने के लिए एक बड़ा और सख्त फैसला ले लिया है। दरअसल व्हाट्सएप ने मैसेज फॉरवर्ड करने के नियमों में बड़ा बदलाव कर दिया है। इस नियमों में बदलाव होने के बाद आप एक बार में एक ही मैसेज को एक ही चैट पर फॉरवर्ड कर सकेंगे। हालांकि पहले फ्रिक्वेंटली एक बार में 5 ग्रुप में या फिर 5 लोगों को आप मैसेज फॉरवर्ड कर सकते थे, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है। अगली खबर है, दिल्ली में बिना राशन कार्ड वालों को मिलेगा राशन। जी हां दोस्तों, दिल्ली सरकार ने इसके लिए 421 सरकारी स्कूलों में अलग से राशन वितरण केंद्र बना दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि इस लॉकडाउन की स्थिति में हम किसी को भी भूखा रहने नहीं देंगे। और इसी बात को ध्यान रखते हुए दिल्ली में जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है जो कि बाहर से आए, उन लोगों को भी सरकारी स्कूलों के माध्यम से राशन दिया जाएगा। चलिए तो बात करेंगे सोने चांदी के भाव की। सबसे पहले जानेंगे 22 कैरेट के अनुसार सोने का ताजा भाव, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,227 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 33,816 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 42,270 रुपए, प्रति 100 ग्राम के अनुसार 4,22,700 रुपए 22 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। वहीं बात करें 24 कैरेट के अनुसार सोने के भाव की, तो 1 ग्राम के अनुसार 4,462 रुपए, 8 ग्राम के अनुसार 35,696 रुपए, प्रति 10 ग्राम के अनुसार 44,620 रुपए और 100 ग्राम के अनुसार 4,46,200 रुपए 24 कैरेट गोल्ड की कीमत चल रही है। और इसी के साथ में बात करें भारत के बड़े शहरों में आज 22
22 कैरेट और 24 कैरेट के अनुसार सोने के दाम की, तो वह भी आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, हैदराबाद, केरल, पुणे, बड़ौदा, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर, मदुरई, विजयवाड़ा, पटना, नागपुर, चंडीगढ़, सूरत, भुवनेश्वर, मैंगलोर, विशाखापट्टनम, नासिक और मैसूर की प्राइस स्क्रीन पर दी गई है। और इसी के साथ में बात करें चांदी के भाव की, तो प्रति किलोग्राम के अनुसार चांदी 42,300 रुपए पर पहुंच चुकी है। चलिए तो इसी के साथ में आज का सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। इसका जवाब नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो लोग इसका सही जवाब देंगे उनके नाम रेंडमली प्रकाशित किए जाएंगे और उन्हें दिया जाएगा गोल्डन इंडिया टीम की तरफ से मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर और इसी के साथ में पेटीएम कैश भी। चलिए तो आज के मुख्य समाचार की खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।